हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वीवो की तरफ से आने वाला ऑफलाइन मार्केट में सबसे हॉट सेलिंग वाला स्मार्टफोन। तो ये है वीवो T2X, जो कि इस प्राइस रेंज में इतने ज़बरदस्त फीचर और इतने ज़्यादा हॉट सेलिंग के साथ मार्केट में ये आ चुका है। ये वीवो की सेकेंड जनरेशन टी सीरीज की, T1 आया था इसके पहले, अभी T2 है, T3 आएगा। तो अभी हम फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। सबसे ऊपर आपको रकम मिलता है वो तो T2X वीवो की तरफ से ना, ये बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन माना गया है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी देता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन है इसमें आपको मिलती है, और मैट में आपको बैक पैनल मिलता है। ये हालांकि प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, बट मैट है। ये अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है सही से। ये सब छोड़ते हैं, देखो ये वाइट टूट जाए, चलो ये सब साइड में करते हैं। उसके बाद फ़ोन में आपको रखा मिलता है एक CPU केस, जो कि एक रबड़ का है, सिलिकॉन वाली केस। और उसके बाद आपको ये मेमोरीज मिलते हैं, एक एडाप्टर आपको मिलता है जो कि 18 वाट का है, जो कि थोड़ा सा स्लो है बट फिर भी ठीक है। और एक टाइप सी केस केबल मिलती है इसमें आपको। और उसके बाद आपको मिलता है एक सिम इंजेक्टर टूल। इस फ़ोन में कुछ इतना ही साथ में आता है। अब सबको हम लोग करते हैं साइड में और आते हैं हम लोग वीवो T2X के तरफ। तो अभी इसमें बात करते चले कलर और वेरिएंट की। तो कलर वेरिएंट आते हैं तीन, कलर आते हैं तीन। तो वेरिएंट की बात करते हैं तो 4128, 6128 और अपना जो 8128, ये तीन वेरिएंट आते हैं। कलर की बात करें तो ये अपना है चैम्पियन गोल्ड कलर, तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है क्योंकि गोल्डन कलर में आता है, मैट भी है। और इसके बाद आपको ब्लू कलर आता है, वो भी मैट में है, ब्लैक कलर आता है, तो बट सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग ना गोल्ड कलर है। तो वेरिएंट और कलर की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो कि बैटरी। बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है और चार्जर को हमने आपको बता ही दिया है। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको, फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो और केबल टाइप सी आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हमको कि 3.5mm जैक इसमें नहीं रिमूव किया गया है, ये आपको मिलता है। ये गेम वगैरह प्ले करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उन लोगों को 3.5mm जैक चाहिए होता है इस प्राइस रेंज में, तो वो इसमें आपको मिलता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अभी हमने फ़ोन की डिज़ाइन की बात तो हम कर ही चुके हैं, अभी मेन आते हैं इसके फिंगर पे। फिंगर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है और आपको बैक पैनल आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का मिलता है। और अभी इसके हम मतलब बॉडी की बात कर लें तो ये पूरी फुली प्लास्टिक बॉडी में फ़ोन आता है और आपको 3.5mm जैक आपको मिल ही जाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है आपको इस प्राइस रेंज में। अभी हम कैमरा की बात कर ले, 50 MP और 2 MP के बैक में आपको 2 कैमरे का सेटअप मिलता है। और फ्रंट की बात कर ले तो 8 MP का आपको सेल्फी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज में और इस कैमरा मेगापिक्सल्स में। तो इसमें कोई भी फ़ोन इस प्राइस रेंज में इसको बीट नहीं कर पाता है, चाहे हुई बात बिकने की, चाहे हुई डिज़ाइन की, चाहे परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, बैटरी बैकअप, सारी चीज़ों में फाड़ू है बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फोन में आपको। अभी हम प्रोसेसर की बात कर लें तो ऑक्टा कोर का आपको 7 नैनोमीटर का आपको प्रोसेसर मिलता है इसमें, Dimensity 6020 का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस आपको निकाल कर ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छे आपको स्मूथनेस वगैरह आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें निकाल कर दे देगा, तो इसमें भी कोई बीट नहीं कर पाएगा। 2.2 GHz का इसमें प्रोसेसर बेस्ड मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट के साथ आता है, काफ़ी ज़बरदस्त नेटवर्क प्रोवाइड करके आपको ये स्मार्टफोन देने वाला है। आप यूज करने के बाद बोलोगे यस बिल्कुल राइट, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क की क्वालिटी आपको मिलती है। वीवो में सभी फ़ोनों में आप 4G हो गए थे, पुराने फ़ोन जितने भी थे, या अभी ये 5G में सबसे बहुत ही बेस्ट नेटवर्किंग निकाल के देता है। वी सीरीज़ को भी ये पीछे छोड़ देता है नेटवर्क के मामले में, मैंने खुद पर्सनली अपना बता रहा हूँ V29 और इसमें क्वालिटी में प्रोसेसर मतलब कुछ भी बोलो, चाहे जो भी दे दिए उसमें, चाहे जो भी, पर नेटवर्क के मामले में सबसे यही है भाई। जैसे कि आप गाड़ी में उठा लो, आप ले लोगे अपाची बट प्लेटिना, तो एवरेज की बात आ जाएगी तो एवरेज आपको प्लेटिना में ही मिलने वाला है। और एक एवरेज स्पीड में अगर आप 60 और 70 में चलते हो तो दोनों ही ज़बरदस्त आपको निकाल के देती है क्वालिटी, और प्लेटिने में आपको एवरेज भी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये बात निकल के फ़ोन में भी आती है, महंगे फ़ोनों और सस्ते फ़ोनों में बैटरी बैकअप और क्वालिटी के मामले में, ये मतलब नेटवर्क और बैटरी बैकअप के मामले में सबसे बेस्ट निकल के आते हैं, जो कि 12-13 हज़ार के रेंज में फ़ोन आते हैं। जब अपने फ़ोन को ऑन करते हैं वो 5G आपको लिख के मिलने वाला है। और दोस्तों इस फ़ोन में कुछ इतनी चीज़ें थी, तो वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।